स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप टू की ग्रामर को, जो कि कहलाती है हमारी कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर। ये ग्रामर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कंपाइलर के अंदर स्टडी करते हैं, ये सारी की सारी जो हैं टाइप टू की ग्रामर के थ्रू ही डिजाइंड होती हैं। ये टाइप टू की हमारी ग्रामर है और इसके लिए जो हमारा प्रोडक्शन रूल्स का जो फॉर्मेट है वो है ए ट्राइज एल्फा, जहां पर एल्फा बिलोंग्स टू वी प्लस टी का होल स्टार और ए सिंपली बिलोंग्स टू वी। तो जो ये एल्फा है, एल्फा हमारा वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जबकि ए जो है ये हमारा क्या है, ये सिंगल वेरिएबल है, इट इज ए सिंगल वेरिएबल। तो अगर किसी ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स इस फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं तो ये ग्रामर हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाती है। तो इसकी इंपोर्टेंस क्या है, सिंटैक्टिक रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइनिंग। तो जितने भी कंपाइलर हैं वो इनहेरेंटली इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है क्या, इसमें प्रॉब्लम है एम्बिग्युटी की। एम्बिग्युटी का मतलब क्या है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट करना चाह रहे हैं किसी ग्रामर से, तो उसमें क्या है कि मोर देन वन पार्स ट्री पॉसिबल होते हैं, पार्स ट्री वन, पार्स ट्री टू, फोर सिंगल स्ट्रिंग जनरेशन। पार्स ट्री क्या है, इसको डेरिवेशन ट्री भी कहते हैं। तो होता क्या है, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाता है, वो हमारा स्ट्रिंग या इंस्ट्रक्शन वो टोकन्स में ब्रेक डाउन होता है और उस टोकन्स का जो है एक पार्स ट्री जो है क्रिएट होता है। तो अगर किसी ग्रामर के थ्रू हमारी जो है एम्बिग्युटी जनरेट हो रही है तो वो ग्रामर हमारी एम्बिगुअस ग्रामर कहलाती है। जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारी सीएफजी हैं वो सारी की सारी एम्बिगुअस होंगी, तो इसके लिए कोई वैलिड एल्गोरिथम नहीं है एम्बिग्युटी चेक करने के लिए, देयर इज नो जनरलाइज्ड एल्गोरिथम। टू चेक the ambiguity of grammar, तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्री। तो डेरिवेशन ट्री के थ्रू ही हम इसको चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो ग्रामर गिवन है वो उसके जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो इस तरीके से हैं, एस ड्राइव्स ए बी, ए बी कैपिटल ए ड्राइव्स स्मॉल ए कैपिटल ए बी, ए कैपिटल बी ड्राइव्स ए बी स्मॉल बी ओ एंड बी। तो ये जो हमारे प्रोडक्शन रूल्स हैं, तो इसमें अगर हम देखें कि हमें एक स्ट्रिंग जो है ए भी जनरेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल ए और स्मॉल बी, तो हम देख रहे हैं कि इसके एस के इस वाले प्रोडक्शन से हम डायरेक्ट स्ट्रिंग ए भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा डेरिवेशन ट्री क्या होगा, एस ड्राइव स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। और दूसरा, अगर हम एस से
इस वाले डेरिवेशन को लेकर चलें, कैसे एस ड्राइव्स स्मॉल ए और कैपिटल बी, और बी के थ्रू हम ये वाला डेरिवेशन लेके चलें, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, इसका फर्दर एक्सटेंशन होगा एस ड्राइव्स स्मॉल ए बी एंड देन स्मॉल बी। तो इस तरीके से ए बी स्ट्रिंग के लिए एक जो डेरिवेशन ट्री का स्ट्रक्चर इस तरीके का बना और दूसरे डेरिवेशन ट्री का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना। तो दोनों ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। तो इसलिए जो ग्रामर आपको गिवन है वो क्या है, वो आपके एम्बिगुअस ग्रामर है। दिस इज एम्बिगुअस ग्रामर। तो अब देखिए स्ट्रिंग हम कैसे जनरेट करते हैं। तो कोई भी स्ट्रिंग अगर हमें किसी ग्रामर के प्रोडक्शन रूल से जनरेट करनी है तो हम उस प्रोडक्शन रूल को अप्लाई करते हुए चलते हैं। तो जो लीफ नोड हमें मिलते हैं टर्मिनल्स के, वो हमारी स्ट्रिंग होती है अगर हम उसको स्कैन करें लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जाम्पल कि हमने जो है डेरिवेशन कौन सा लिया, एस ड्राइव्स ए कैपिटल बी, तो इसके थ्रू जो बना हमारा स्मॉल ए कैपिटल बी। अब हमने बी पर यहां क्या अप्लाई करा, बी पर अप्लाई करा हमने बी ड्राइव्स कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो हमारे क्या है यहां पर तीन वेरिएशन हो जाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। और हमने फिर यहां पर डेरिवेशन लिया कि ए ड्राइव स्मॉल ए, इसलिए हम यहां पर ए कर सकते हैं। और यहां पर बी हमने लिया क्या, बी ड्राइव स्मॉल बी, तो यहां पर वेरिएशन हम बी ले सकते हैं और ये सिंपल बी है। तो अब अगर हम देखें इस डेरिवेशन ट्री के अंदर, तो हम ये देखेंगे ये टर्मिनल स्ट्रिंग है, फिर ये टर्मिनल स्ट्रिंग है, फिर ये टर्मिनल स्ट्रिंग है और ये टर्मिनल हमारे पास अवेलेबल है। तो अब इन सारे के सारे टर्मिनल को लेफ्ट टू राइट स्कैन करने पर, तो जो हमें गेन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारे स्ट्रिंग कहलाएगी। तो यहां से जो हमें स्ट्रिंग गेन हुई वो क्या मिली बच्चों, तो ए ए बी बी, ये हमारे क्या है इस डेरिवेशन ट्री के थ्रू जनरेटेड स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से डेरिवेशन ट्री के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पर्टिकुलर ग्रामर जो है एम्बिगुअस है या नहीं है। क्वेश्चन के अंदर हमें ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स गिवन है, तो दो वेरिएबल लिए हुए हैं इन्होंने, एक तो कैपिटल एस और दूसरा कैपिटल ए। तो इनके जो है प्रोडक्शन गिवन है, तो हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सॉल्यूशन में कि हमें डेरिवेशन ट्री जो है ए बी, ए बी के लिए स्ट्रिंग के लिए बनाना है। तो ए बी ए बी स्ट्रिंग के लिए हम कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ए से लेकर चलते हैं एस से, तो एस से हमारा प्रोडक्शन रूल जो है ए एक स्मॉल बी, सेकंड वाले प्रोडक्शन रूल को अगर हम ध्यान देंगे तो ये हमारा एक्सपेंशन होगा, इस वाले को हम लेके चल रहे हैं। अब इसमें जो एस आ रहा है उसको हम इस ए से एक्सपेंड कर दें, तो हमें जो स्ट्रिंग गेन हुई वो हमें स्ट्रिंग इस तरीके से हमारी मिलेगी, सबसे पहले ए फिर बी फिर ए और फिर बी, तो स्ट्रिंग क्या बनी ए बी ए बी। अब दूसरी तरफ हम ध्यान देते हैं इसका, ये वाला प्रोडक्शन रूल अगर हम लेके चलें
तो एस ड्राइव्स स्मॉल ए कैपिटल ए एंड देन स्मॉल बी, फिर हम ए का डेरिवेशन इस तरीके से लेके चलें बी और कैपिटल एस। अब बी का ये वाला लेके चलें तो क्या होगा, दिस वन इज द ए। तो हमें जो मिला ये स्ट्रिंग गेन हुई, जो कि क्या है हमारी ए बी। पर दोनों के अगर हम स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो दोनों के स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हमारी ग्रामर क्या है, दिस इज एन एम्बिगुअस ग्रामर। अब इसमें जो मेन चीज है स्ट्रिंग का सिलेक्शन, वो आप अपने इंट्यूशन से देखिएगा कि ग्रामर के थ्रू हमारी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बन रही हैं। इसको पहले रफ वर्क कर लीजिएगा कि हाँ ये स्ट्रिंग बन रही है तो क्या इसका भी दूसरा पॉसिबिलिटी है, तब इसको फेयर में करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। में हमें ग्रामर गिवन है केवल एस वेरिएबल के साथ, जिसमें एस के ही डेरिवेशंस गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके थ्रू एक्सपेंशन कर लेते हैं क्योंकि एस का ही है। तो पहले हम एक्सपेंशन इसका कर लेते हैं, तो एस ड्राइव्स एस स्टार एस। अब यहां पर जो एस आया उसको सेकंड वाले से एक्सपेंड कर लेते हैं इस वाले को, दिस वन इज एस प्लस एस। अब हम जितने भी एस हैं उसको ए से रिप्लेस कर देते हैं, तो ए दिस वन इज ए दिस वन इज ए। तो जो स्ट्रिंग हमें गेन हुई वो क्या हुई, ए प्लस ए स्टार ए। तो यहां पर क्या है, प्लस ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहां पर अब दूसरे तरीके से लेके चलेंगे। पहले हम इस वाले को एक्सपेंड कर लेते हैं, एस प्लस एस। अब हम राइट साइड में सेकंड वाला ये प्रोडक्शन अप्लाई करते हैं, दिस ड्राइव्स एस मल्टीप्लाई एंड देन एस। अब जितना भी है थर्ड नंबर पर हम ये वाला अप्लाई करते हैं, तो दिस ड्राइव्स ए एंड दिस आल्सो ड्राइव्स ए। तो जो हमें स्ट्रिंग गेन हुई वो क्या हुई, लेफ्ट से पढ़ना शुरू करिए, ए प्लस ए स्टार ए। तो ए प्लस ए स्टार ए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो इक्वल हैं, पर दोनों ट्री के स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसलिए ग्रामर क्या है आपकी, ग्रामर है आपकी एम्बिगुअस। तो असाइनमेंट के लिए आपको क्वेश्चन दे देते हैं, क्या है कि इस ये ग्रामर गिवन है, इसको आपको फाइंड आउट करना है वेदर इट इज एम्बिगुअस और नॉट। एस ड्राइव्स ए एस डी ड्राइव्स एस एस ऑब्लिक एप्साइलन। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें जो ग्रामर गिवन है, ई ड्राइव्स ई प्लस टी ऑब्लिक टी टी ड्राइव्स टी स्टार एफ ऑब्लिक एफ और एफ ड्राइव्स ए। तो इसमें बता देता हूं मैं
आंसर के लिए जो आप ट्राई आउट करिएगा, दिस इज एम्बिगुअस। And this grammar is not ambiguous. तो अब इस वाले ग्रामर में आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट ट्री बनाकर देखिएगा, तो कोई भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें सेम स्ट्रिंग के दो डेरिवेशन ट्री आपके डेवलप हो सके। तो जो भी आपके अगर ट्री का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उसमें जो है वो स्ट्रिंग भी डिफरेंट होगी। तो इससे पता चलेगा कि ये हमारी जो ग्रामर है ये आपका एम्बिगुअस नहीं है।